अय्यर फाउंडेशन की ओर से स्वागत करती हूँ। अय्यर फाउंडेशन भारतीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में एक सेवाभावी संस्था है जो पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्यों में होनहार एवं प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच देना एवं वरिष्ठ एवं सीनियर कलाकारों का यथोचित सम्मान करना। अय्यर फाउंडेशन द्वारा समय समय पर शास्त्रीय संगीत के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगीत समारोह में सुर मंसूर संगीत महोत्सव, युवा संगीत महोत्सव, अय्यर फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम साधना फेस्टिवल, पिछले 8 वर्षों से इसी सभागृह में आप जैसे सुरीले श्रोताओं के सामने हम प्रस्तुत करते आ रहे हैं और ये नौवा पुष्प आज हम आपकी सेवा में लेकर पुनः आपके सामने प्रस्तुत है। तबला, पखावज, सारंगी, सरोद, बांसुरी जैसे वाद्यों में पुरुषों का हमेशा ही वर्चस्व रहा है, किंतु पिछले दो दशकों से हम देख रहे हैं कि अनेक महिलाएं भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और इसे व्यावसायिक तौर पर सफलतापूर्वक अपना रही हैं। हमारा यही प्रयास रहा है कि इन जैसे कलाकारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें एवं हमारे समाज के अंदर उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। श्रोताओं, इस तरह के आयोजन के लिए हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। आर्थिक सहायता के बगैर हम ऐसे आयोजन नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की सहायता की है। आज के प्रायोजक है इस 9th एडिशन साधना फेस्टिवल के प्रमुख प्रायोजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साउथ सेंट्रल जोन सेंटर नागपुर, जिनके लिए हमारा फाउंडेशन बहुत बहुत आभारी है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी पहली प्रस्तुति कलाकार ओडिसी नृत्यांगना सुश्री मिताली वराड़कर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ओडिसी नृत्य के महान गुरु स्वर्गीय पंडित केलुचरण महापात्रा की मुख्य शिष्या श्रीमती शुभदा वराड़कर से सभी ही परिचित हैं। शुभदा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मिताली इनकी शिष्या एवं भतीजी भी है। बचपन से ही मिताली अपनी बुआ को नृत्य देखकर बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने नृत्य सीखना शुरू किया। मिताली अपने गुरु श्रीमती शुभदा वराड़कर के साथ एवं समूह में और स्वतंत्र रूप से भी देश भर में अनेक नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत करती रही हैं। सहजता, ऊर्जा से भरी संवेदनशीलता इनके नृत्य का मुख्य विषय रहा है। सुश्री मिताली अपने नृत्य का प्रारंभ गणेश वंदना से करेंगे। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करते हैं सुश्री मिताली वराड़कर। थैंक यू। दादा 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 दादा
Mention a few things about Mithali. Mithali is a graded artist with the Doordarshan. She is also empaneled with the ICCR, and she recently completed her master's in performing arts with distinction in ODC. Mithali will now present Pallavi, a pure Nritya aspect of ODC. Pallavi literally means to blossom. Movements are lyrical and graceful, with equal importance to rhythm and music. A Pallavi is named after the rag it is based on. Mithali will present Pallavi in rag Rageshri, Tal Tal Malika, music composition by Sri Kausik Basu, and dance choreography by Guru Shubhada Varadkar. Presenting Rageshri Pallavi by Mithali Varadkar. Sa ga ga ma ga ma ni dha ga ma
तन दे रे दीन
सागर गमरे सतनी सदनी Mithali will conclude her recital with an abhinay piece, Jatayu Moksh, a famous episode from Tulsidas's Ramayana. Ram, Lakshman and Sita, while they were in Panchvati during their vanvas, Sita was enchanted by the beautiful golden deer who's actually Marich, a Rakshasa. Sita pleads Ram to hunt the deer for her and also later persuades Lakshman to help Ram. As Sita is left alone under the protection of Lakshman Rekha, Ravan with his tricks abducts Sita. Jatayu, the mighty bird of Panchvati forest, risks his own life to rescue Sita but is unsuccessful. The mortally wounded Jatayu informs Ram about Sita's abduction and dies in the arms of Lord Ram. Ram performs the last rites for Jatayu and grants him moksha. Mithali presenting Jatayu Moksha. प्रेमलोचन
अघाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक सुंदर छाला सत्य संग प्रभु बधि कर ए आए
कान्हु चर्म कहति वैदे तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षि सुर काज सवारन मृग विलोक कटि परिकर बांधा करतल चाप रुचिर सर सांधा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाए हिरत विपिन निसिचर बहु भाई सीता के करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी कटपुनी दूर पराए कब हुक प्रगटई कब हु छपाई प्रगटत दूरत करत छल भूरी एही विधि प्रभु ही गया हुले दूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरनी पर उकरी घोर पुकारा घोर पुकारा घोर पुकारा लक्ष्मण
गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सुन परम सभीता जाऊं वेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता प्रगति विलास सृष्टि तय होई सपने हूँ संकट परई की सोई वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला चहु दिसि रेख खचाई अहिषा चहु दिसि रेख खचाई अहिषा बन दिसि देव सौपी सब काहू चले जहां रावण ससि राहू बीच दशकंधर देखा आवा निकट जति के वेशा करी अनेक विधि छल चतुराई मांगे भीक दशानन जाई
कहे दशमुख सुन सुंदर नारी, बांधी भीक ना देनी सयानी। विधि गति वाम काल कठिनाई, रेख लांगी सिया बाहर आई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई समय जब नाम सुनावा। क्रोधवंत तब रावण लिहसी रथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय, रथ हाकी न जाई। क्रोधवंत खग कैसे छूटे पवि पर्वत कहूं जैसे, धरि कछ बिरहत किन्ही माही गीरा। सीते ही राखी गीत पुनि फेरा, चोचन मार बिदर सी देही।
दंड एक भई मुरझाते ही तब से क्रोध निसिचर खिसियाना काढ़े सी परम कराल कृपाना काटे सी पंख परा खग धरे करती बिलाप जाति नभ सीता व्याध विवस जनु मृग सभीता अनुज ही आवत देखी बाहिज चिंता किन्ही विशेषी जनक सुता परिहरिहु अकेली आयहु तात वचन मम पेली हा गुण खानी जान की सीता रूप सी नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहुभांति पूछत चले लता तरुपाति आगे परा गिदराज देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर निरखि राम छवि धाम मुख विगति भई सब पीर तब कहे गीद वचन धरी धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा नाथ दसानन यह गति की ही खल जनक सुता हरिलीनी राम कहा तनु राखुता सिकाय
के ही ते ही बाता जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुक्ति होई श्रुति गावा सो मम लोचन गोचर आगे राखो दे नाथ के ही खागे तनु तजीतात जाओ मम धाम देहु काह तुम पूरण काज सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन सही पाथोद्गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नौमी राम कृपाल बाहु विशाल भय भव मोचनम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय 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 राम Jai Ram Jai